और यहाँ जो पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा तादाद में बहने इकट्ठा है, जिन लोगों ने 2 महीने से इस आंदोलन को चलाया, ये कैसे लगा लो कहीं लगा ले, हाँ जेबुआ में रख लो, महिला चेतना समिति और जिले और जिले के बाहर पूर्वांचल के अन्य जिलों से भी आई हुई क्रांतिकारी महिला साथियों, हम थोड़ी के बोलब लेकिन एकदम अलग चीज समझावे चाहते हैं। मान ला कि हम नंदलाल से कौनो जमीन खरीद ली, कई तो सबके पता है एक बेनामा इनके पास रही, एक हमरे पास रही, और रजिस्ट्री अगर भयल है बनारस के दफ्तर में तो एक थे वहां रही, और बेनामा का मालिक अंग्रेजी में कहलन कस्टोडियन, ओकर कस्टोडियन के है रजिस्ट्री के वहां का, तो जौन इस सर्वसेवा संघ के पल्ले जौन बेनामा हो ऊपर लिखल हो कि रेलवे के फला अधिकारी ने मेरे सामने दस्तखत किया, ओकरे पीछे जौन रजिस्ट्री का उस समय का अधिकारी हुआ वो लिखले हुआ कि जीसी चटर्जी ने मेरे सामने दस्तखत किया। अब क्या कहना भैया, देखा बहुत बुनियादी सवाल है और वही आज कल नहीं हो पायल, आज जौन है लिस्टिंग हो गई, कल विचार हुई, मेंशन कल हुई, कहा है सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा अदालत में, लेकिन मामला बहुत नाजुक है, ऐसे एक समझ ला हाई कोर्ट कह ले रहे बनारस के जिलाधिकारी के कि तोहे तय करके तोहे तय करे के हो कि मालिक के हो। अगर हमारा नंदलाल का हम उदाहरण देत रही झगड़ा होगा तो तमाम साक्ष रखे के पड़ी, नंदलाल अपन साक्ष दियन, हम अपन साक्ष दे, अगर अलग अलग बेनामा है तो दोनों बेनामा सामने आ जाए, यह कुल होला ना, कई साक्ष अधिनियम के तहत होला। और एक पार्टी अगर सरकार हो तब का होला वो सामने हो, जिलाधिकारी के जो कहल गल चंदन भाई रवि किरण जैन जो सर्वसेवा संघ का मामला देखत रह आजकल शारीरिक रूप से अदालत जाए लायक न हुआ, वो कहना हमसे कि अफलातून हाई कोर्ट का निर्णय हो के चाहत रहा कि डिस्ट्रिक्ट जज तय करे, किसी टाइटल को डिसाइड करने का अधिकार जिलाधिकारी कमिश्नर एसडीएम को नहीं होता है, ये सिविल कोर्ट में ही डिसाइड हो सकता है, दीवानी अदालत में ही अगर फैसला हो सकेगा, और दीवानी अदालत में फैसला अभी हमने का मामला चलत वहां जो बदमाशी भेल और पूरा न्यायिक अधिकार नहीं होला, संजीव भाई ओके कहा जाला क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक अधिकार ही एसडीएम को था, जिस आदमी ने कह दिया कि रेलवे का नाम हटाओ और सर्वसेवा संघ का नाम हटाओ रेलवे का नाम चढ़ाओ, एक लाइन में कह दिया, उसने ये नहीं कहा, हाँ निकला नहीं तो हटा था 60 साल पहले हटा था, ठीक है। और आप लोग ये गलत कहते हैं कि राजेंद्र बाबू रेलवे की संपत्ति जब भी बेची जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जान लीजिए जो संविधान का सेंट्रल शेड्यूल है, 3 शेड्यूल है ना, एक समवर्ती सूची है, केंद्रीय है, एक राज्य की है, तो चूंकि केंद्रीय सूची का विषय रेलवे है इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ वो होता है। आजादी के पहले वो बसंत कालेज की जमीन खरीदी गई तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका पार्टी, ऋषि वैली ट्रस्ट ने जमीन खरीदा, अच्युत पटवर्धन और ये सारे नाम आप समाजवादी हैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, वहां भी नोटिस हो गई है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अब आइए बुनियादी सवाल पे कि जो हाई कोर्ट का यह निर्णय था इसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, हम हाई कोर्ट में भी दे सकते थे कि आपने गलत निर्णय दिया है, ये अधिकार जिलाधिकारी का नहीं है, जिला जज को आप कह सकते थे, जिला जज को नहीं कहा, ठीक है। तो अब आप आए हैं और ये भी जान लीजिए, जरा सा नाजुक बात बोल रहा हूं,
उसी बेंच के सामने लगने जा रहा है, ये भी जान लीजिए। और ये कहीं से ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि गांधी विनोबा जयप्रकाश, ये मामला केवल इतना नहीं है, उससे बड़ा मुद्दा है। जब जालीपुर में चार गांव के किसानों का 80 एकड़ जमीन इसी एसडीएम के द्वारा, और किसानों अभी चकबंदी हट चुकी है, जो लोग गांव से जुड़े हैं वो लोग चकबंदी का महत्व जानते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, आपका गांव में चार जगह खेती है उसको एक साथ कर दिया जाता है, खेती ज्यादा योग्य तरीके से हो, इसीलिए चकबंदी का प्रावधान था। चकबंदी हो चुकी है, फाइनल हो चुका है, और चौधरी चरण सिंह के समय से उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि गांव की जमीन का उपयोग क्या होगा, मरे हुए जानवर का चमड़ा किस जमीन पर निकाला जाएगा, खलिहान कहाँ होगा, ये सारे गांव के रकबे में ये दर्ज होता है। और भूमि प्रबंधक समिति, गांव की पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति उसका नियोजन करती है। लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बड़े बड़े नाम है, एक फौजदारी मुकदमा हुआ था, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्रिमिनल केस, तो उस समय आदमपुर थाना आपका पड़ता है, थानाध्यक्ष ने कहा था कि ये बहुत रसूख वाली संस्था है, बहुत। और वास्तव में देखिए, बुरा मत मानिएगा, सरकार से रफ जफ आप लोगों का अच्छा था उस जमाने में, जवाहरलाल जी के समय में, शास्त्री जी के समय में, शास्त्री जी जब आए थे मुझे याद है, ठीक है, मैंने 5-6 साल उम्र थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, गुलजारी लाल नंदा भी आए थे, ये भी जान लीजिए, और ठीक बगल में जो खुदाई हुई है वहां जवाहरलाल जी आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अब ये सर्वसेवा संघ नहीं, इसी बनारस में चंदौक भी है, आपके चिरई गांव ब्लॉक में जालूपुर है, बलुआ घाट के लिए जो सड़क जाती है, और आप लोगों को उन गांव में जाना चाहिए, वहां के चार गांव के किसानों का इसी एसडीएम में उनका खाते में से नाम हटा के और बंजर घोषित कर दिया। वहां अचानक मोदी आएगा, कहेगा ये रिंग रोड यहां बनने वाला है, या फलाना हमारी योजना, और आपके सर्वोच्च न्यायालय के रिट में 3/4 जो काउंटर एफिडेविट दाखिल हुआ रेलवे की तरफ से, 3/4 में ये था, गूगल का नक्शा लगा हुआ है, काशी का क्या महत्व है, और उसके साथ साथ था, सुन लीजिए आप, कि नदी का रास्ता, रेल का रास्ता, सड़क का रास्ता, तीनों मिला करके एक केंद्र बनेगा। विचार सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट में आप ही के मामले में रेलवे ने लिखा है, उसके लिए, अरे उसके लिए अगर चाहिए था तो तुम नोटिस दिए होते अधिग्रहण के लिए, लेकिन ये जो धोखेबाजी, झूठ, फरेबी, इसके माध्यम से जो लेने लगे हैं, तो ये सर्वसेवा संघ के साथ साथ पूरे देश के लिए खतरा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर उसको ये पावर दे दिया जाएगा तो वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा ही नाम बदल देगा, कह दो, और डीएम ने कह दिया तो नीचे एसडीएम को करने करना है, एसडीएम जो है डीएम के आदेश के 2 दिन बाद उसने आर्डर दिया। आप लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व है जानते हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो ऐसे है। तो मेरा ये कहना है कि ये देश के जन आंदोलनों के लिए, देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सुप्रीम कोर्ट में भगवान न करे अगर आप हार जाते हैं तो फिर जिलाधिकारियों को यह पावर मिल जाएगा कि किसी का भी नाम बदल दे बिना देखे हुए कि किसका बेनामा है, कैसे बेनामा है। सबसे पहले जब अरविंद अंजुम गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, अपना सब अच्छी तरह से कागज लेकर के गए, तो कितने धोखेबाज हैं, वहां पर रेलवे के अधिकारी मौजूद थे, ये थोड़ा सा डिटेल बता लेने दीजिए, तो बस 2 मिनट। तो उन लोगों ने कहा
कि रेल पहले तो कहा कि रेलवे जमीन बेचती ही नहीं, तो कोड ऑफ इंजीनियरिंग से दिखाया कि जमीन बेचती है, जो उपयोग की जमीन नहीं है वैसी जमीन रेलवे बेचती है, ये चीज बताया। तब उन्होंने कहा, दो दशका था, डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट, डिविजनल इंजीनियर, कहा कि डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट कोई पद नहीं होता, और उस समय सारे के सारे रेलवे डिवीजन में डीआरएम का पद नहीं था, सबसे बड़ा पद डिविजनल सुप्रिंटेंडेंट का था। ये राही जी वगैरह रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जो गांधी म्यूजियम के आनंद साहब, गांधी म्यूजियम के 10 साल तक डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया, मेरे साथ के पढ़े लड़के अब जनरल मैनेजर रैंक के हो गए, बने डीआरएम के भी ऊपर, उन लोगों ने बताया पूरा कानून भेज दिया कि इस कानून के तहत होता है। अंतिम बात कह के नंदलाल जी समाप्त करूंगा कि रेलवे की जमीन, और रेलवे देश के सबसे बड़े जमींदारों में से है, उसकी जमीन का सिविल अथॉरिटीज के साथ मिलकर समयबद्ध ऑडिट होता है, ये अगर कहें ना, और उसको प्रिंट छापना पड़ता है, रजिस्टर में लिखना नहीं, छापना पड़ता है ताकि वो बदले ना, और संसद से लेकर के चैलेंज है हमारा।